दोस्तों आज मैं देखने गई थी भूल भुलैया 3 और मैं भूल भुलैया 3 देखकर आ चुकी हूँ। दोस्तों भूल भुलैया 3 बहुत अच्छा है। मैं पूरी फैमिली के साथ गई थी दोस्तों भूल भुलैया 3 देखने, और इसमें मंजुलिका भी है दोस्तों। मुझे पता नहीं चला कि मंजुलिका कौन है, लेकिन फिल्म तो बहुत अच्छा है दोस्तों। और दोस्तों आप जो सोच रहे हैं ना मंजुलिका कौन है, वो मंजुलिका नहीं है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अभी नहीं बताऊंगी वरना आपका सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। इसके लिए मैं आप खुद फिल्म देखिएगा। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना कि मंजुलिका कोई और है, लेकिन नहीं, मंजुलिका दूसरी है। और दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आया फिल्म देखने में। और दोस्तों ये भूल भुलैया बहुत ज्यादा अच्छा फिल्म है। और इसमें ना वो एक जवान का सीन था जिसमें वो जवान आया था, वो लेकिन जवान नहीं था, वो ये था दोस्तों। और दोस्तों भूल भुलैया का मतलब मैं आपको बता दूं, लूप, उसको इंग्लिश में लूप बोलते। और सही में ये लोग लूप में फंस गए थे, और इसको हिंदी में भूल भुलैया बोला जाता है। और दोस्तों पता है इसमें ना एक रॉल्स रॉयस था जो कि ना इसका था रॉल्स रॉयस, और ना वो ना रॉल्स रॉयस नहीं था दोस्तों, वो बैल था दोस्तों। एक का नाम था रॉल्स, एक का नाम था रॉयस। और दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा फिल्म है, आप इसको जरूर देखिएगा। और पैसा वसूल हुआ 3 घंटे फिल्म देख के दोस्तों। दोस्तों इंटरवेल में ना बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा था सारा चिप्स विप्स, इस मेरा मतलब पॉपकॉर्न महंगा मिल रहा था। तो देखिए हम लोग ने ना ये चिप्स खरीदा, ये चिक्की खरीदा और ये पॉपकॉर्न खरीदा। अगर हम लोग पॉपकॉर्न लेते तो सिर्फ एक पॉपकॉर्न मिलता, वो भी 200 300 600 का मिलता। और देखो देखिए दोस्तों मैंने 3 चीज लिए पॉपकॉर्न की जगह, ना दोस्तों अच्छा है ना। तो दोस्तों आप ये फिल्म पूरी फैमिली के साथ जाकर देखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा है। और खास बात ये कि दिवाली के समय में आया, हम लोग की छुट्टी भी है, हम लोग इंजॉय करके देख पाए। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसा लगा आप देख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।